सो हाय गाइस, आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। बिटकॉइन आ चुका है 64,500 डॉलर्स, थोड़ा सा उसको भी क्रॉस किया है और अभी चल रहा है 64,400 डॉलर्स। फाइनली हम कह सकते हैं अक्टूबर का मंथ, जिसका हम सब लोग वेट कर रहे थे कि अक्टूबर का मंथ अक्टूबर हो जाए और यहाँ से मार्केट ऊपर जानी स्टार्ट हो जाए। फिलहाल अगर हम ऑल्ट कॉइन देखें तो ऑल्ट कॉइन तो बढ़ने ही लगी है, मीम कॉइन बहुत ज़बरदस्त स्पीड पे बढ़ते जा रहे हैं। मेरा एक ही कहना था आप लोगों को, जिसको शायद आप में से काफ़ी लोगों ने इम्प्लीमेंट किया होगा, कि मार्केट के अंदर बहुत बार ऐसा होता है कि आपको पता होता है कि यार यहाँ से मार्केट गिर सकती है, तो क्यों ना मैं मार्केट के अंदर से एग्जिट कर लूँ और मैं 10% बाद दोबारा री एंट्री कर लूँ। काफ़ी लोगों ने आपको इसके ऊपर फोर्स भी किया होगा कि अक्टूबर के अंदर एग्जिट कर लेती है, क्योंकि सारी दुनिया पॉजिटिव हो रही है तो मार्केट गिर जाएगी। तो जिन लोगों ने एग्जिट किया होगा, क्वेश्चन आप लोगों से पूछने का ये है, क्या आप दोबारा री एंट्री कर पाए? इसी वजह से मैं आपको बार बार कह रहा था कि अगर हमने इतने टाइम से मार्केट के अंदर एक्यूमुलेट किया है चीज़ों को, छोटे से एक प्रॉफिट के लिए कि 10% नीचे एंट्री कर लो अगर मार्केट गिर जाएगी, तो अगर आपने वो किया था तो शायद आप दोबारा री एंट्री नहीं कर पाए होंगे। अक्टूबर का मंथ 15th of September के बाद मैं बारह बोल रहा था, मार्केट काफ़ी पॉजिटिव गई थी और उसके बाद दोबारा शुरुआत जो हुई थी हमारे अक्टूबर मंथ की वो बुरी हुई है। लेकिन अब हम आ रहे हैं इलेक्शन डेट्स के पास, हम जा रहे हैं जहाँ पे CPI डाटा भी बार बार कट होता जा रहा है, नया USD प्रिंट होगा जिसकी वजह से मार्केट में USDT आएगा, बहुत सारा काफ़ी सारी चीज़ें जो है मार्केट में पॉजिटिव हो सकती है। दिस इज़ वाई, और जो हिस्ट्री कहती है हॉल्विंग ईयर के बाद, और अभी तक हम लॉन्गेस्ट पीरियड के अंदर ऑलरेडी आ चुके हैं जहाँ पे BTC एक एक्यूमुलेशन जोन में, सेम जोन में चल रहा है। तो हमारे पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी एक्यूमुलेट करने की चीज़ों को। आई रियली होप यहाँ से मार्केट को, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है 65,000 डॉलर से ऊपर जाना और वहाँ पे स्टे करना। अभी चल रहा है 64,400 डॉलर्स, यहाँ तक हम पिछली बार भी पहुँचे थे और यहाँ से गिर के हम 59,000 डॉलर्स आ गए थे। अब इम्पॉर्टेंट वही बन रहा है कि हम इस जोन को क्रॉस करें और कन्वीनियंटली क्रॉस करके इस जोन को हम अपना एक सपोर्ट बनाने, यानी कि 65,000 डॉलर्स के नीचे हम ना गिरे। अगर हम उसके ऊपर रहते हैं तो ऑल्ट क्वाइन यहाँ पे फट सकते हैं, जिसे हम कहते हैं ना कि यार गॉड्स कैंडल, बहुत ज़्यादा ऊपर जाएंगे ऑल्ट क्वाइन, वैसी मोमेंटम आ सकती है। और इस सीज़न के अंदर मीम्स को फॉरगेट मत करना, बिकॉज ये सीज़न के अंदर मीम्स बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे। दैट इज़ वाई मैं आपको कहूँगा, किसी प्रोजेक्ट के अंदर अगर बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो जाए तो वो प्रॉफिट को निकाल के मीम्स में भी डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट कर दो। मैं ऑलरेडी उसके ऊपर वर्क कर रहा हूँ, ऑलरेडी कल भी आपको उसके बारे में बताया, थोड़ा टाइम पहले भी काफ़ी सारे मीम्स आपको बताए जो कि काफ़ी अच्छे प्रॉफिट में भी गए हैं। आज हम बात करेंगे तीन ऐसे प्रोजेक्ट्स की जो कि बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तीन में से दो प्रोजेक्ट ऑलरेडी बनैंस के ऊपर लिस्टेड है, एक को मैं आपके साथ पहले भी इंट्रोड्यूस कर चुका हूँ और दो प्रोजेक्ट जो आज मैं बताऊँगा आपको, उनको मैंने कभी इंट्रोड्यूस नहीं किया आप लोगों के साथ, लेकिन वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। मार्केट अच्छी हो रही है और उनके यहाँ काफ़ी सारे कैटलिस्ट है, न्यूज़ एंड इवेंट्स है, जिसके कारण मैं मानता हूँ आने वाले दिनों के अंदर ये प्रोजेक्ट काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो इन प्रोजेक्ट के ऊपर अगर आप शॉर्ट टर्म एंट्री लेना चाहो, शॉर्ट टर्म मिड टर्म मैं कहूँगा जो कि 6 मंथ्स के करीब है, तो आपको इन प्रोजेक्ट से 5 गुना 10 गुना, बिकॉज ऑफ द बुल सीजन का मार्केट रहती है जो कि रहनी चाहिए, तो आपको 5 गुना 10 गुना 15 गुना इनसे प्रॉफिट मिल सकता है। एक कॉइन की बात करूँ तो उसका ऑल टाइम हाई जो था पिछले सीजन के अंदर वो $30 का था, अभी यहाँ चल रहा है $1 का, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग गुड रिजल्ट फ्रॉम इट इन शॉर्ट टर्म इटसेल्फ। अब आपके ऊपर चॉइस है कि आपको इनमें इन्वेस्टमेंट करनी है कि नहीं करनी है। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज देर इज़ गुड अपॉर्चुनिटी। मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि ये मैं अपने लिए कर रहा हूँ, आप करना चाहो तो कर सकते हो, बिकॉज क्रिप्टो इज़ हाईली वॉलेटाइल, यहाँ पे सब कुछ जीरो हो सकता है या बहुत सारा पैसा बन सकता है, तो अपनी ड्यू डिलिजेंस करने के बाद ही पैसा इन्वेस्ट करिएगा। अभी चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक्स बहुत सारे करो, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट जरूर करो, बिकॉज कमेंट बॉक्स में बहुत सारे लोगों का मैसेज आता है, देखो हर वक्त बुलिश 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 बोलते रहते हैं। मैं पूरी क्रिप्टो मार्केट के अंदर मैं कह सकता हूँ मैं 100% एक उन लोगों में से हूँ, जब मार्केट बेरिश होती है तो मैं बेरिश बोलता हूँ, जब बुलिश होती है और होनी चाहिए तो मैं बुलिश बोलता हूँ। हम बहुत बार हमारे अक्टूबर के अंदर शुरुआत के अंदर लोगों ने काफ़ी कहा कि देखो सर आपके मार्केट अगेंस्ट जा रही है, तो हमने यही आंसर दिया कि बार बार कि मार्केट अभी अक्टूबर ख़त्म नहीं हुआ फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड सेकेंडली आज तक हम हिस्ट्री को फॉलो करते हुए आए हैं, और अगर हिस्ट्री कुछ चीज़ें चेंजेस करेगी तो हम भी अपनी स्ट्रेटजी में चेंजेस करेंगे। जब तक हिस्ट्री चेंजेस नहीं करेगी हम चेंज नहीं करेंगे, ये बात मैं आपको बार बार बता चुका हूँ। अगर कोई व्यक्ति कैसीनो में जाता है और रोलेट खेलता है और वो कहता है 10 बार लगातार रेड आ चुका है रोलेट के ऊपर, 11वीं बार पक्का ब्लैक आएगा, ऐसा नहीं होता। हर बार अपॉर्चुनिटी 50-50 की ही होती है, रेड आएगा या ब्लैक आएगा या एक और ऑप्शन जो ग्रीन होता है वो आएगा, तो हर बार जब स्पिन होता है ऑप्शन सेम रहते हैं। इसीलिए मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि अगर मार्केट के अंदर अगर बुलिश सीजन चल रहा है अक्टूबर,
तो आप उसके अगेंस्ट क्यों जाओगे? कोई रीजन होना चाहिए स्पेसिफिकली. इस बार कोई ऐसा रीजन नहीं था, दैट इज वाई वी वर ऑल्सो पॉजिटिव एज इट वॉज इन द हिस्ट्री. अभी चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, इन तीन प्रोजेक्ट्स के बारे में जान लेते हैं. वीडियो को लाइक करें बिना आगे मत बढ़िएगा, बिकॉज आप लोग जब करेंगे 3,000, 4,000, 5,000 लाइक, आई विल फील मोटिवेटेड. अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि सारी की सारी नोटिफिकेशन इस पूरे बुल सीजन में आपको मिलती रहे, और ऐसी अल्फा कॉल्स जो कि मेरे पास आने वाली है इस सीजन में वो मैं आपको दे सकूं. चलते हैं सीधा कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, वीडियो को लाइक कर लेना. अगर बायबिट ज्वाइन नहीं किया, एक्सचेंज ज्वाइन नहीं करे, तो नीचे लिंक दिए हैं, उनके थ्रू आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं. सो गाइस, बिना टाइम वेस्ट करे अगर हम बात करें तो ORN पहला कॉइन हमारी इस लिस्ट का, $0.98 के अप्रॉक्स चल रहा है. 33 मिलियन की मार्केट कैप है इस प्रोजेक्ट की. इस प्रोजेक्ट में सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसको ऑलरेडी ये बाइनेंस पे है, कॉइन बेस के ऊपर है, और अब ये होने जा रहा है अपग्रेड, जिसकी अब न्यूज़ जो है ऑलरेडी आ चुकी है. मेननेट का इसका स्वैप हो रहा है और अब ये हो जाएगा रीब्रांडेड इन लूमिया. इसको सपोर्ट ऑलरेडी अगर हम बात करें DWF लैब, बाइनेंस, क्वाइन बेस और बहुत बड़े बड़े क्वाइंस जो है ऑलरेडी कर रहे हैं, जैसे कि आर्बिट्रम, नियर एंड मैनी 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 मोर, जिसके कारण मैं इसको आज हमारी लिस्ट में रख रहा हूँ. बिकॉज इस क्वाइन का अगर ऑल टाइम हाई की बात करूँ तो वो था $30. इस ये लॉन्च हुआ था बियर सीजन के, मतलब आप कह सकते बुल सीजन ख़त्म हुआ था और ये लॉन्च हुआ था प्रोजेक्ट. इसने $30 अपना हाई देखा था. आई डू बिलीव कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा हाई कैपेसिटी है $10 तक जाने की. अभी 15 तारीख को यानी कि आज से कल ये हो जाएगा डी लिस्ट ऑन बाइनेंस, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि बाइनेंस ने ही अनाउंसमेंट करी है ऑलरेडी कि 18th को ये रीलिस्ट हो जाएगा विद नेम एज लूमिया. तो अगर आपके पास ORN टोकन है बाइनेंस के ऊपर तो वो स्वैप हो जाएंगे और आपको मिल जाएंगे नए टोकन लूमिया के. तो दैट इज़ वाई मैं इसके ऊपर बुलिश हूँ, क्योंकि हमने ऐसा एक्टिविटी हमने आज से थोड़ा टाइम पहले एक और टोकन पे करी थी, शायद उसका नाम था, मेरे को यहाँ तक याद नहीं आ रहा, इट वॉज रिलेटेड टू गिफ्टो. यस, तो वहाँ पे वो जो ऐसे ही रीब्रांडिंग हुई थी, मिनट लॉन्च हुआ था, वो सीधा लिस्ट हुआ था 10X के ऊपर. यहाँ ऐसा होगा नहीं होगा आई रियली डोंट नो, बट बहुत हाई चांसेस है कि ये यहाँ से रीब्रांडिंग के साथ विद ऑल द बिग एक्सचेंज बिग नेम सपोर्ट ये यहाँ से बहुत अच्छा कर सकता है. और ये लिक्विडिटी बेसिकली प्रोवाइड करता है अगर हम बात करें बहुत सारे RWA प्रोजेक्ट्स को, जहाँ पे बहुत सारा TVL को लॉक्ड अप करना पड़ता है, ये लिक्विडिटी डायरेक्ट प्रोवाइड कर देता है. दैट इज़ वाई ये काफ़ी बड़ा आज एक सोल्यूशन दे सकता है मार्केट के अंदर और इसका यूज़ केस मार्केट में दिखाई दे सकता है. दैट इज़ वाई आई एम बुलिश ऑन दिस प्रोजेक्ट. इसको आप कंसिडर करना चाहो तो रख सकते हो, नहीं तो आपकी चॉइस है. मैं वो बता रहा हूँ आपको, अगेन बता चुका हूँ जो मैं अपने लिए कर रहा हूँ. सेकेंड प्रोजेक्ट जिसको मैंने थोड़ा टाइम पहले इंट्रोड्यूस किया था और हमने इसके ऊपर करीबन 7X के करीब प्रॉफिट बनाया था, विनार जो है, जिसको मैं ऑलरेडी हमारे VIP ग्रुप के अंदर शेयर कर चुका हूँ. 0.085 पेसबा करीबन हमने शेयर किया है और वहाँ से हमारा अगर हम ट्रेड की बात करें तो हमने लिक्विडेशन स्ट्रेटजी ऑन कर दी, जिसमें हम एक बार लिक्विडेट भी हो गए थे और उसके बाद हमारा ट्रेड अभी फ़िलहाल चल रहा है 75% अप ऑन विनार इवन राइट नाउ अगर हम अभी की बात करें. लेकिन ये अभी 30 और 31 को जो बाइनेंस की ब्लॉकचेन वीक है उसके अंदर ये काफ़ी कुछ अपनी न्यूज़ एंड इवेंट लेके आने वाले हैं, जो कि उम्मीद कर रहा हूँ मैं काफ़ी सारी बड़ी पार्टनरशिप्स इनके साथ देखने को मिलेगी और अभी ये काफ़ी सारे एक्सचेंजेस पे भी आ सकता है, क्योंकि बाइनेंस और बाइबिट पे है लेकिन और डिफरेंट एक्सचेंजेस पे आ सकता है जो कि मार्केट में इस वक्त काफ़ी अच्छा कर रहे हैं उनके ऊपर कर सकता है. और बहुत बड़े बड़े अगर हम बात करें आजकल जो एक्सचेंजेस है बिटहम अपबेट, इनके ऊपर बहुत ज़बरदस्त वॉल्यूम है, ये वहाँ पे भी हमारे को ऐसे प्रोजेक्ट्स अगर दिखाई दे जाए लिस्ट होते हुए तो इनके ऊपर गजब वॉल्यूम आ सकती है. अगर हम बात करें कैटेगरी की तो यहाँ पे लेयर वन कैटेगरी के ऊपर काम करता है, जहाँ पे अगर हम ORN की बात करें तो ये RWA की कैटेगरी के अंदर बेसिकली लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है. तो विनार चेन बहुत ज़्यादा बुलिश है, Web3 फॉर बिलियंस ऑफ कंज्यूमर्स. आप इसका यूज़ किस अगर करोगे तो आपको पता चलेगा काफ़ी ज़्यादा अच्छा और ईजी है यूज़ करना विनार चेन को, और काफ़ी बड़े बड़े बिलियन डॉलर्स ऑफ जो प्रोजेक्ट्स हैं इन Web2.0 मार्केट के अंदर वो इसको ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं. तो आई डू एक्सपेक्ट कि यहाँ पे ये टोकन सबसे इंपॉर्टेंट जो कि हमारे लिए है वो है 126 मिलियन की मार्केट कैप, 126 मिलियन की फुली डाइल्यूटेड वैल्यूएशन, यानी कि सारा टोकन मार्केट में आ चुका है, सारा अनलॉक हो चुका है, कोई प्राइवेट इन्वेस्टर का टोकन नहीं है, बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है इस सीजन के अंदर. 5X 10X मैं इससे ज़रूर एक्सपेक्ट करता हूँ. थर्ड प्रोजेक्ट बात करेंगे जिसको मैं फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करूंगा दोबारा आपके साथ, उसका नाम है सी पूल. हमने इस सीजन के अंदर दो RWA के प्रोजेक्ट को प्रमोट किया, पुश किया, वो है ऑनडो जो कि सबको पता है और एक है मंत्रा डाओ जो कि जिसने हमारे को 15X तो इस सीजन में दे दिया है लगभग,
क्योंकि 1.5 डॉलर्स के अप्रॉक्स चल रहा है। येस 0.10 में हमने एंट्री करी थी और 0.01 के करीब हमने एंट्री करी थी इसके अंदर 2020 में। तो आप सोच सकते हो हमने वहाँ से 150 गुना प्रॉफिट किया है अगर किसी ने इसको होल्ड किया है इतने लंबे टाइम के लिए। मैं इसीलिए उसी कैटेगरी यानी कि हमारी RWO कैटेगरी के अंदर सी पूल को इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा जो कि RWO का ही सेम काम कर रहा है। ऑनडो अगर बहुत हाई है, मंत्रा डाओ भी अब समय हो गया वो बहुत हाई है और बहुत मल्टीपल एक्स प्रॉफिट दे चुका है। तो ये 124 मिलियन की मार्केट कैप के ऊपर है, RWO रेट है। अभी फिलहाल मैं कहूँगा लास्ट एक डेढ़ महीने में काफ़ी पंप हो चुका है। अगर मैं बात करूँ तो 30 डेज के अंदर 36%, लेकिन एक साल के अंदर तो चलो छोड़ देते हैं, लेकिन अगर हम दो महीने की बात करेंगे, थ्री मंथ्स की बात करेंगे तो एक डिसेंट इनफ पंप दे चुका है, जहाँ पे ये 0.07 से 0.18 तक आ चुका है। अगर आपको इसके ऊपर थोड़ा सा डंप दिखाई दे यानी कि लगभग 0.15 डॉलर के आसपास जाए तो आप एंट्री ले सकते हो, लेकिन अगर आपको इसको मिड टर्म लॉन्ग टर्म के लिए अंदर एंट्री करनी है तो आप अभी भी एंट्री कर सकते हो। क्लियर पूल की अगर हम और डिटेल में जाए तो आप देख सकते हो इनकी वेबसाइट के द फर्स्ट डिसेंट्रलाइज क्रेडिट मार्केट प्लेस, जहाँ पे 623 मिलियन लोन्स जो है ऑलरेडी ओरिजिनेट हो चुके हैं। टोटल वैल्यू लॉक्ड भी जो है 75 मिलियन की इनके साथ ऑलरेडी हो चुकी है। तो काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है और काफ़ी नाम कर रहा है। अगर हम बात करें बैक्ड बाय सिकोया, जिनका बहुत ही बड़ा नाम है, जब भी इनका नाम और हैश की का नाम आता है और विंटर म्यूट का नाम आता है तो आप समझ सकते हो कि कितना बड़ा बैकर इसके साथ प्रोजेक्ट है। अभी बहुत ज़्यादा हाई कैप नहीं हुआ, लोगों की नज़र में भी ज़्यादा नहीं गया, तो इसके ऊपर आप ध्यान दे सकते हो और एक अच्छी उम्मीद है मेरे को इससे भी एक अच्छा रिटर्न देने की इस सीज़न के अंदर। थोड़ा सा वेट कर सकते हो, अगर डिप देखने को मिलना चाहो तो उसके बाद एंट्री लेना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन दिस कैन डू रियली वेल। अगर हम अभी बात करें तो अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है बिटकॉइन का स्टे करना 65,000 से ऊपर, मैं कहूँगा 65,500 से ऊपर। अभी हमने 64,500 से तोड़ा है जो कि इंपॉर्टेंट जोन था और हम गए हैं लगभग 64,800 के आसपास, लेकिन स्टिल हम 65,000 तोड़ नहीं पाए। तो हम डेंजर जोन से बाहर नहीं हुए हैं, लेकिन मार्केट सेंटीमेंट जो है वो पॉजिटिव हो रही है। आई रियली होप यहाँ पे जैसे हमने एक पूरा एक लेग अप देखा था उसके बाद मार्केट यहाँ से गिरी थोड़ी बहुत, वैसा ही यहाँ पे सिनेरियो बन रहा है कि यहाँ से थोड़ी सी मार्केट गिरे और दैट हम नेक्स्ट लेग अप की तरफ मूव करें। लेट अस होप फॉर द बेस्ट। अगर मार्केट सिनेरियोज अच्छे रहेंगे तो ये सारे तीनों प्रोजेक्ट जो मैंने आपको अभी बताया, वेनार और ORN और क्लियर पूल, काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो इन पे आप नज़र रख सकते हो, पैसा लगा सकते हो अगर आपको लगाना है तो। बाकी नो फाइनेंशियल एडवाइस, बिकॉज एट द एंड क्रिप्टो इज हाईली वॉलेटाइल, इट कैन रिजल्ट इन बिग प्रॉफिट और बिग लॉस। तो वही पैसा लगाइएगा जो कि अगर आप लूज भी कर दो तो आपको उसका गम ना हो और आपकी होल्डिंग पावर ज़रूर हो। बाकी गाइस मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैव फन।